नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम डीआईवाई। ईश्वर की कृपा से उम्मीद है कि आप सपरिवार सकुशल होंगे। क्या आप जानते हैं कि सिंदूर एक प्रकार की औषधि है जो न सिर्फ आपको बीमारियों से दूर रखती है बल्कि एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। मैंने एक वीडियो डाला था जो सात्विक सिंदूर पे था, जो प्रभु के लिए था, पर ये जो आज वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये रोली सिंदूर या मांग भरने के सिंदूर में काम में आता है। बाज़ार में जो मिलता है वो केमिकल से भरा हुआ है, तो कृपया करके अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि माथे पे एलर्जी ना होए, इससे आपको ऊर्जा मिलती रहे, सर में दाने ना हो, बालों की जड़ सफ़ेद ना हो, तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पहली चीज़ हम ले रहे हैं हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है और सबकी मात्रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी। दूसरा हम ले रहे हैं बोरेक्स यानी सुहागा। ये ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड है, केमिकल मत लीजिएगा। बोरेक्स भी एंटीसेप्टिक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल, इनफैक्ट ये बाल बहुत अच्छे से धो देता है। बहुत सारे शैम्पूज जो बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं उनमें बोरेक्स थोड़ा सा मिला रहता है, ज़्यादा मत मिलाइएगा, ये डेंजरस भी होता है। अगली चीज़ हम ले रहे हैं फिटकरी। फिटकरी तो आप जानते हैं, कटे हुए घाव हो या कहीं पे आपको स्वेलिंग हो गए हो या सर में रूसी हो या आपकी छोटी घमोरियाँ हो गई, उनके लिए बेहतरीन है। यानी अब आप समझ ही गए कि मैं क्यों कह रही थी कि ये एक औषधि है। क्या आप जानते हैं कि सिंदूर अगर आपके पर्स में है या आपके पास घर में कोई एंटीसेप्टिक चीज़ नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा वहाँ गीला करके लगा दें या सरसों के तेल में मिला के लगाएं, घाव से खून बहना फ़ौरन बंद हो जाता है। मिक्स कर लेने अच्छे से, और जैसे मैंने आपसे कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जब आप बनाएं तो उसमें से देख के अपनी क्वांटिटी लिख लीजिएगा। आप वैसे इसे बनाइएगा आप 6 महीने के लिए, क्योंकि इनकी तासीर होती है कि इनका रंग समय के साथ धीरे धीरे जो है हल्का पड़ता है। अगली चीज़ हम ले रहे हैं नींबू। पानी मत मिलाइएगा कृपया करके, और डब्बा बंद नींबू का रस आपको काम में नहीं लेना है। ताज़ा नींबू का रस काम में लीजिएगा, और कितना नींबू का रस चाहिएगा जिसमें आपने ये जो पाउडर बनाए अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको आप इसमें मिश्रण के अंदर मिक्स कर लें, और साथ ही आप यकीन मानिए ये औषधि ऐसी है कि जब आप शादी के बाद या विवाह के पश्चात अपनी मांग में भरते हैं तो आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखते हैं, और इसकी खुशबू से जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो वैसे ही पास में नहीं आते। हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर हम इसे छाया में सूखने के लिए रख देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर आप कुछ ढक दें और तब तक सुखाएं जब तक कि अच्छे से सूख ना जाए। जल्दीबाजी करने के लिए धूप में प्लीज़ मत रखिएगा। और जब आप देखें इस तरह से सूख गया है तो आप इसे किसी बड़ी कांच की प्लेट में निकाल के वापस से अच्छे से सूखने के लिए रख दीजिए। सुखाना आपको छांव में ही है। अब जब ये देख रहे हैं आप इस तरह से अच्छे से सूख जाए तो आप किसी भी छलनी की मदद से इसे एक बार छान लीजिएगा। चाहें तो आप कपड़े में भी छान लीजिए, पर जो हल्दी थी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से पिसी हुई थी इसलिए मैं इसे महीन मैदा छानने वाली छलनी में से छान रही हूँ। अब जब ये अच्छे से छन के तैयार हो जाए तो इसमें हम मिलाएंगे तेल। तेल मीठा लीजिएगा, आप तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल मत लीजिएगा जमा देगा, या बादाम का ले लीजिए। मैंने यह बादाम का तेल लिया, थोड़ा सा ही डालना होता है, यानी तकरीबन आप 115 ग्राम मेरा इसमें बनेगा, तो मैंने इसमें 15 बूंद के आसपास जो है बादाम का तेल डाला है। थोड़ा थोड़ा करके डालें और आप इसे अच्छे से मिला लें ताकि इसमें थोड़ी सी जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए। और चलिए अब कर लेते हैं टेस्ट। ये देखिए आप सिंदूर डालेंगे इस तरह डलेगा, एकदम अलग है, चिपका हुआ नहीं है और बहुत ही रिफाइन है। तो ये तो हो गया आपका मांग भरने का सिंदूर। और अब बात कर लेते हैं तिलक की। क्या आप जानते हैं तिलक जब हम लगाते हैं तो उससे बेहद ऊर्जा होती है। व्रत किया हो या हम व्रत कर रहे हों, इसका जो रंग है और इसमें मिली हुई औषधियाँ हैं, इसकी खुशबू आपके मस्तिष्क में हार्मोन को सक्रिय रखती हैं और बेहतरीन ऊर्जा का संचार करती हैं। अगर आप इसे बोरेक्स डालते समय बस ध्यान रखें और शुद्ध बोरेक्स लें तो बिल्कुल भी एलर्जी नहीं करेगा। और अब एक हथेली पे लगा के देख लेते हैं। हल्दी का जब आप इसे छुड़ाएंगे तो हल्का दाग आएगा। जो बाज़ार से जो सिंदूर है वो जो चिपक जाता है उंगली पे, वो दाग बिल्कुल नहीं आएगा। और ये विजय है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो चलिए शुरुआत इसको तिलक लगा के ही करते हैं।
उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगें और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियोस के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।